चिलचिलाती गर्मी से परेशान लोगों पर इंद्र देवता आज सुबह से ही मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। सुबह से तेज हवाओं के साथ बरसात से जहां मौसम ने करवट ली, वहीं सबके चेहरे भी इस बरसात से खिल गए। वहीं पहली बारिश में जिला प्रशासन के तमाम दावे भी बहते दिखे। जोरदार बारिश के बाद गुरुग्राम सिटी के कई हिस्सों में पानी भर गया। कुछ घंटों की हुई बारिश की भयावह तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की है, जहां प्रशासन के दावे फेल होते नजर आए। सभी जगह आलम यह है कि सड़कें तालाब बन चुकी है, जहां जरा सी बारिश से पानी भर गया और ऐसा लग रहा है मानो जैसे गाड़ियां चल नहीं रही हो बल्कि तैर रही हो। बात केवल अकेले एक हिस्से की नहीं है बल्कि हर जगह हालात लगभग ऐसे ही हैं। राजीव चौक पैदल पथ अंडरपास, NH 48 हीरो होंडा चौक की सर्विस लेन, खांडसा के कई इलाकों, प्रताप नगर समेत सिटी के निचले हिस्सों में पानी भर गया। जलभराव की वजह से NH 48 पर राजीव चौक से हीरो होंडा चौक तक फिर से लंबा जाम लग गया। वाटर लॉगिंग की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। आपको बता दें कि हीरो होंडा चौक समेत सिटी के किसी भी हिस्से में वाटर लॉगिंग ना हो इसके कागजी दावे किए गए थे, जो एक बरसात में बहते नजर आए। कैबिनेट मंत्री राव नरवीत का दावा था कि इस बार जलभराव नहीं होगा। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि गुरुग्राम में मॉनसून की पहली बरसात ने रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको बता दें कि प्री मॉनसून की 3 घंटे तक हुई बारिश में गुरुग्राम में 82 मिलीमीटर, सोहना में 25 मिलीमीटर, मानेसर में 40 मिलीमीटर और फरुखानगर में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बहरहाल आलम यह है कि जब कुछ देर की बारिश के बाद यहाँ हालत इतने भयानक हो जाते हैं तो बस कल्पना कीजिए कि अगर कहीं दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी लगातार 2 से 3 दिन तक बारिश हो जाए तो क्या हाल होगा। शायद ये सोच कर ही डर लगने लगता है। हरियाणा की साइबर सिटी का ये बिगड़ा हुआ सूरत हाल ना जाने कब सुधरेगा, लेकिन यहाँ की जनता हर बार अपने आप को ठगा महसूस जरूर करती है और फिर भी प्रशासन सब कुछ देखकर ना जाने की अनदेखा कर देता है। अभी तो मौसम विभाग का कहना है कि 48 घंटों के बाद मानसून दस्तक देगा। सोचिए, मानसून अगर देरी से आया तो ये हाल है, यदि मानसून अपने समय पर आता तो क्या होता। सनी तुशीर संग दीपक कुमार की रिपोर्ट, PunjabKesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।